गुड इवनिंग गाइज। नवनीते केस के बारे में कुछ रफली आइडिया आपको दिए थे। केस जो रहता है वो फोर काइंड्स में रहता है। उसमें नॉमिनेटिव केस आता है, पॉसेसिव केस आता है, वोकेटिव केस आता है और ऑब्जेक्टिव केस आता है। केस हमको बताता क्या है? केस के बारे में मैं ये जानता हूँ कि नाउन किसी भी सेंटेंस में किस तरह का रोल करता है। जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्टिव केस या उसी को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है, सब्जेक्टिव केस में ये नाउन एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे जब आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मीन मैं ये जानता हूँ उस कार्य को करने वाला, द पर्सन हु डज द वर्क, दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब। इसमें सब्जेक्ट जो रहता है उस काम को करने वाला। जैसे मैंने बोला कि राम मुझे आमंत्रित करता है, राम मुझे आमंत्रित करता है, तो यहाँ पर आमंत्रण करने का काम, आमंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ? एक सब्जेक्टिव केस हुआ। सब्जेक्ट का रोल करता है, किसे करता है? राम मुझे आमंत्रित करता है। तो जो वो एक्शन कराई जा रही है या कार्य का प्रभाव किसकी ओर जा रहा है, आमंत्रण का जो कार्य हो रहा है ये आमंत्रण का कार्य किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, जिसकी ओर इंडिकेट करेगा वो ही उसका ऑब्जेक्टिव केस रहता है। तो राम मुझे आमंत्रित करता है, तो मुझे क्या है, जो कार्य का प्रभाव है ये मुझे की ओर इंडिकेट करता है, तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह से मैं दो चीज़ों का डिवीज़न कर लेता हूँ कि जो उस काम को करने वाला रहता है दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस ऑफ दैट वर्ब। किसी तरीके से बोल सकते हैं कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या उस वर्ब का एक सब्जेक्टिव केस होगा। इसके बाद जो उस काम का प्रभाव जिसकी वो इंडिकेट करता है वो ऑब्जेक्टिव केस की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से मैं दो केस का अलग अलग विभाजन कर सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस का होगा और ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो जो इनकी जानकारी हमको होना इसलिए बेहद ज़रूरी रहता है कि जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो सारे जो भी वर्ड्स सेंटेंस में पाए जाते हैं उन सारे वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक प्लेस किया जाता है। अगर मुझे इनको पिकआउट करना नहीं आता है तो मैं सारे शब्दों को निकाल कर एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रख सकते और एक उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट होगा, जो लैंग्वेज चेंज होगी वो रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से हमको सब्जेक्ट की पहचान करना, ऑब्जेक्ट की पहचान करना, ये मुझे भली बात मालूम हो तो इस तरीके से मैं पहचान सकता हूँ कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद तीसरा आता है ये ओकेटिव केस। ओकेटिव केस के बारे में मैंने आपसे क्या बोला था? ओकेटिव केस ये भी नाउन ही या प्रोनाउन, ये दोनों बुलाने के लिए, एक कॉल करने के लिए या एड्रेस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला इधर आओ, राम इधर आओ, तो राम क्या है? राम को कॉल किया जा रहा है। तो ये जिसकी ओर ये कॉलिंग रहती है, जिसकी ओर एड्रेसिंग रहती है, तो ये एड्रेस करने वाला वर्ड ही ये वोकेटिव केस है। तो इस तरीके से मैं तीन केसेज को अलग अलग तरीके से कि नाउन किस किस तरीके का एक सेंटेंस में रोल करता है यही हमको केस सिखाता है। अब मेनली जो हमारा एग्जामिनेशन पर्पस से जो पॉसेसिव केस रहता है इसको डीपली हमको स्टडी करने की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। पॉसेसिव केस के अंतर्गत तो पॉसेसिव को अधिकार कारक बोलते हैं, पसीजन सोवर। ये पसीजन सोविंग जो होती है
ये तीन तरह से पोजीशन सोविंग रहती है। एक पोजीशन सोविंग करता हूँ अपोस्ट्रोफ एस लगाकर, एक पोजीशन सोविंग करते हैं ऑफ लगाकर, एक पोजीशन सोविंग करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव का रूल कराकर। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई थी जिसमें एक पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला कॉलम था। पॉसेसिव एडजेक्टिव के कॉलम में आने वाली जितने भी प्रोनाउंस के रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं जो पोजीशन शो करते हैं वो सारे वर्ड्स बिना नाउन के किसी भी सेंटेंस में प्लेस नहीं किए जाते। जैसे मैंने बोला, मैंने राम की किताब चुराई, आई स्टोल राम की किताब। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रामाज बुक। इस तरीके से पॉसेसिव एडजेक्टिव, मैंने उसकी किताब चुराई, आई स्टोल हिज बुक। तो यहाँ पर हिज क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। बुक क्या है, एक नाउन है। अगर मैं हिज को अकेला किसी भी सेंटेंस में प्लेस करना चाहूँ तो इसे अकेला प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल पॉसेसिव एडजेक्टिव जो रहता है वो किसी भी सेंटेंस में अकेले प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये प्लेस जब कभी भी होगा तो किसी नाउन से पहले इसकी प्लेसिंग रहती है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की भांति बिहेव करता है। इस तरीके से जो पोजीशन सोविंग का काम रहता है तो एक पॉसेसिव एडजेक्टिव करता है। आज की क्लास में मैं थोड़े डीप में जो अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ इनके यूज के बारे में आपसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये रहता है, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ एक रिलेशन जो अधिकार का रहता है, ये अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ ये दोनों यूज करके उस अधिकार को दर्शा लेते हैं। इसमें जब सिंगुलर नंबर के एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ एक रिलेशन पोजीशन का शो कराते हैं तो इसमें अपोस्ट्रोफ एस। जैसे मैंने बोला राम की किताब, तो राम के यहाँ पर ये देखिएगा, कुछ एग्जांपल देकर के मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने बोला कि राम की किताब, यहाँ पर की शब्द एक पोजीशन शो करता है। इस की का अर्थ क्या है कि राम और किताब के बीच, ये दोनों के दोनों नाउन हैं, इन दोनों नाउन्स के बीच एक पोजीशन का अधिकार शो हो रहा है, एक रिलेशन पोजीशन का शो हो रहा है। इस रिलेशन में क्या रहता है, यहाँ पर राम को देखते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग, एक सजीव। यहाँ पर इसको देखता हूँ कि ये नॉन लिविंग थिंग, एक सजीव का निर्जीव के साथ एक रिलेशन पोजीशन का, जहाँ एक सजीव का निर्जीव के साथ पोजीशन का रिलेशन रहता है तो इस की के लिए हम अपोस्ट्रोफ एस, एक सजीव का निर्जीव के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ राम रामशु। एक तो मैं इसको इस तरीके से इस की को जो अधिकार शो करता है इस तरीके से दर्शा सकता हूँ इसी को, और इसको जब एक सजीव का निर्जीव के साथ रिलेशन शो करना रहता है तो इसमें ऑफ लगा करके भी शो कर देते हैं। इसको क्या बोल सकता हूँ, दबुकोफ दबुकाप राम। इन राम की किताब, इतनी चीज को मैं इस दो तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ, ये दोनों के दोनों ये पोजीशन शोवर है, एक अधिकार जताता है एक सजीव का निर्जीव के साथ। अगर एक निर्जीव का निर्जीव के साथ, तो उस कंडीशन में ये सजीव का निर्जीव के साथ एक नॉन लिविंग थिंग का दूसरी नॉन लिविंग के साथ
दूसरी नॉन लिविंग के साथ प्रसीजन किस तरह शो करेंगे। जैसे मैंने बोला मेज की टांग, यहां पर ये देख रहा हूं कि ये नॉन लिविंग है, यहां पर की शब्द आ गया का की के, ये पॉसेसिव वर्ड है, पसीजन सोवर है। इस की के लिए ऐसा नहीं लिख सकता हूं। यहां पर जब एक नॉन लिविंग का किसी दूसरी नॉन लिविंग के साथ रिलेशन पसीजन को शो करते हैं तो इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते, बल्कि ऐसी स्थिति में क्या रहता है, इनमें ऑफ यूज करेंगे। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, द लेग ऑफ द टेबल। तो यहां पर हमको ये सीखने को मिलता है कि जब कोई एक सिंगुलर नंबर का नाउन रहता है, दूसरे सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ अगर ये लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग है, तो वैसी स्थिति में किसी दूसरे के साथ जो पसीजन का रिलेशन करते हैं तो उसमें मैं अपोस्ट्रोफ एस भी लगा सकता हूं और ऑफ भी यूज कर सकता हूं, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एक नॉन लिविंग का दूसरी नॉन लिविंग एक सिंगुलर नंबर का, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल से लेग ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा का, यहाँ पर मैं लिखूंगा द लेग ऑफ द टेबल। तो इस तरीके से मैं शो कर लेता हूँ। ये तो हमारे सिंगुलर नंबर के नाउन होगा, तो सिंगुलर नंबर के नाउन को पसीजन सोविंग के लिए अपोस्ट्रोफ या ऑफ इस तरीके से लगाकर बना लेते हैं। दूसरे नंबर में क्या है कि जब एक प्लूरल नंबर के नाउन का, एक प्लूरल नंबर के नाउन का दूसरे नाउन के साथ पसीजन दर्शाना हो, तब इसको पसीजन किस तरह से दर्शाते हैं। तो इनके पसीजन दर्शाने में क्या रहता है, एक तो प्लूरल नंबर का नाउन जिनके अंत में यस लगा रहता है, जिनकी एंडिंग यस से होती है, जिन प्लूरल नंबर्स के नाउन की एंडिंग यस से रहती है वहाँ पर अपोस्ट्रोफ यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगा करके ही उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, लड़कियों का स्कूल, यहाँ पर इस तरीके से दिए लड़कियों का स्कूल, यहाँ पर लड़कियों एक प्लूरल नंबर है, इसके लिए मैं गर्ल्स ऐसा लिखता हूँ, इस का के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा, गर्ल्स यहाँ पर यस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यस लगा हुआ है। तो यह आप इस तरीके समझ लीजिएगा कि जब एक प्लूरल नंबर के नाउन के साथ प्रसीजन शो करना रहता है तो वहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाता हूँ, गर्ल्स स्कूल। प्लूरल नंबर के नाउन का जब आप पसीजन सोविंग करना रहता है तो पसीजन सोविंग के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाकर पसीजन शो कर लेते हैं। इसके बाद प्लूरल नंबर के नाउन कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनके बीच के वावेल को बदलकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको आपकी पिछली क्लास में, एक प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को जब सिंगुलर प्लूरल आपको बताए थे तो उस कंडीशन में बताया था कि कुछ सिंगुलर नंबर के नाउन्स ऐसे रहते हैं जिनके बीच के वावेल को बदलकर उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक मैन, मैन एक प्लूरल नंबर का है, लाइक वूमेन एक प्लूरल नंबर का है,
ऐसी स्थिति में रहता है तो इन इस तरह के जो प्लूरल नंबर के नाउंस रहते हैं और उनके साथ एक प्रसीजन सोविंग करनी रहे तो उस स्थिति में आप स्टॉप यस लगाते हैं। मेंस, मेंस पार्लर दे दिए। अगर वुमेन, ये भी हमारा प्लूरल नंबर का है, यहाँ पर भी मैं अपोस्ट्रोफ यस, वुमेन्स पार्लर। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जब कोई प्लूरल नंबर के नाउंस की जिनकी एंडिंग यस से रहती है तो वहाँ पर प्रसीजन सोविंग के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाता हूँ। वहीं पर जब एक प्लूरल नंबर का नाउन रहता है जिनकी एंडिंग यस से नहीं रहती है बल्कि उस सिंगुलर नंबर के नाउन के बीच के किसी वावेल को चेंज कर उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो इनके लिए जो प्रसीजन सोविंग की जाती है तो इनकी प्रसीजन सोविंग के लिए अपोस्ट्रोफ यस लगाते हैं। तो यह इस तरीके से मेंस पार्लर या वुमेन्स पार्लर ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमको इस तरीके मिला, जब एक सिंगुलर नंबर के नाउन का एक प्लूरल नंबर के नाउन का अगर किसी दूसरे नाउन्स के साथ तो इनका प्रसीजन सोविंग करना रहता है तो या तो मैं अपोस्ट्रोफ यस लगाता हूँ या ऑफ लगाता हूँ। यहीं पर या तो हमारा ये रहा है कि जब एक सिंगुलर नंबर का नाउन जो लिविंग श्रेणी में आता है, अगर ये नॉन लिविंग श्रेणी में आता है तो जैसे आपने टेबल से लेग देखा तो टेबल से लेग ये तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग की स्थिति में अपोस्ट्रोफ यस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या रहता है, यहाँ पर ऑफ लगाकर प्रसीजन शो कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिएगा कि बहुत यानी कि जितने भी तरीके के नाउन्स होते हैं आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहता है, आपका पर्सोनिफाइड आइडियाज या पर्सोनिफाइड नोशंस रहते हैं और उनको एक नाउन की तरह बिहेव कराते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी प्रसीजन सोविंग में अपोस्ट्रोफ यस। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स रहते हैं, हिसिंग साउंड वाले नाउन्स होते हैं इनके लिए अपोस्ट्रोफ, इनके प्रसीजन सोविंग में सिर्फ अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं फॉर गॉड्स सेक, यहां पर सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाते हैं फॉर गुडनेस सेक। इसी तरीके से जैसे सॉक्रेट्स आइडियलिज्म, इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ये देखता हूँ कि जो नाउंस जिनके हिसिंग साउंड से हिसिंग साउंड देते हैं तो उनके लिए क्या रहता है कि यहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाकर इनको जो प्रसीजन सोविंग करनी रहती है तो इनके अपोस्ट्रोफ लगाकर प्रसीजन सोविंग कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ पर्सोनिफाइड थिंग्स, कुछ पर्सोनिफाइड थिंग्स। अब अगर आप मैं पर्सोनिफाइड थिंग्स के बारे में बात करूं कि पर्सोनिफाइड थिंग्स होती क्या है, पर्सोनिफाइड थिंग्स का मीन क्या रहता है, मानवीकृत
विचार रहें, मानवीकृत वस्तुएं रहें, यानी निर्जीव वस्तु या निराकार विचार को सजीव मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जो पर्सोनिफाइड थिंग्स होती है इनके साथ जो पसीजन सोविंग का काम रहता है तो इनमें अपोस्ट्रोपीएस कैसे, जैसे डेथ, लेज इज आईसी हैंड, नेचर्स ब्यूटी। तो यहाँ पर पर्सोनिफाइड थिंग्स हो या पर्सोनिफाइड आइडियाज हो, नोशंस हो, इनके लिए जो अधिकार शो करते हैं तो अधिकार शो करने के लिए अपोस्ट्रोफीएस का प्रयोग करता हूँ। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस रहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कुछ प्रोनाउंस ये होते हैं जो व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं और कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं वो थिंग्स के लिए यूज होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो व्यक्तियों के लिए यूज होने वाले वर्ड्स रहते हैं, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, समवन, नो वन, ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस रहते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ जो पसीजन सोविंग रहता है अपोस्ट्रोफीएस लगाकर पसीजन सोविंग कर लेते हैं, जैसे जैसे बोला हम एवरीबडीज ड्यूटी, हर एक का कर्तव्य। तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं इनके साथ जो पसीजन सोविंग का कार्य रहता है, पसीजन सोविंग करानी रहती है तो अपोस्ट्रोफीएस लगाकर पसीजन सोविंग करा लें। समबडीज हैज स्टोलन समबडीज समबडीज पेन, इस तरीके से शो कर लेते हैं। पसीजन सोविंग के लिए जितने भी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस रहते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनीबडी रहा, समबडी रहा, एनीवन रहा, सम नो वन रहा, इनके साथ अपोस्ट्रोफीएस का प्रयोग कर इनको पसीजन सोविंग कर लेते हैं। जब इन्हीं वर्ड्स के साथ एल्स सिवाय के अर्थ में एल्स का जब प्रयोग इनके साथ हो जाता है तब ऐसी स्थिति में यही अपोस्ट्रोफीएस एल्स के बाद में लगाते हैं। कैसे, ही लाइक्स Nobody else is nobody else is advice but mine। इस तरह का जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन रहते हैं जो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं इनके साथ अगर एल्स जोड़ता हूँ तो ये अपोस्ट्रोफीएस नोबडी एनीबडी समबडी इनके साथ नहीं लेते हैं बल्कि यस के बाद में अपोस्ट्रोफीएस का यूज करता हूँ। तो ये तो हमारे जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं और व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं इनके साथ अपोस्ट्रोफीएस अगर यल्स नहीं रहता है तो इन्हीं के साथ यूज कर लेता हूँ, लेकिन यल्स की उपस्थिति में यल्स के साथ अपोस्ट्रोफीएस यूज करते हैं। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो थिंग्स के लिए यूज होते हैं जैसे एनीथिंग,
समथिंग नथिंग एवरीथिंग, ये जो थिंग्स के लिए यूज होने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस रहते हैं इनके साथ अपोस्ट्रोफ यस प्रिसिजन शेविंग के लिए नहीं यूज करता हूँ, बल्कि ऑफ लगाकर प्रिसिजन शेविंग कर लेते हैं। जैसे ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज प्रेज वर्थी, तो यहां पर ऑफ लगाकर, यहां पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते, यहां पर ऑफ लगाकर प्रिसिजन शेविंग कर लेते हैं। तो यहां पर हमको इंडिफिनिट प्रोनाउन के केस में यह मिलता है कि जो प्रोनाउंस व्यक्तियों के यूज होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफ एस, और जब इन्हीं इंडिफिनिट प्रोनाउंस के साथ एल्स का यूज कर लेता हूँ तो ये प्रिसिजन शेविंग के लिए अपोस्ट्रोफ एस एल्स के बाद में यूज करते हैं। लेकिन जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ऑफ लगाकर प्रिसिजन शेविंग कर लेते हैं। इसके बाद तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत ईच अदर वन अनदर, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं इनके साथ प्रिसिजन शेविंग के लिए अपोस्ट्रोफ एस, लाइक Each other's hand, इस तरह अपोस्ट्रोफ एस लगाकर प्रिसिजन शेविंग कर लेते हैं। नेक्स्ट में जितने भी नाउन या प्रोनाउन रहते हैं इनके साथ प्रिसिजन शेविंग के लिए या तो मैं अपोस्ट्रोफ एस लगाता हूँ या ऑफ लगाता हूँ। अब कहाँ पर हमको अपोस्ट्रोफ एस या कहाँ पर हमको ऑफ या कहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ, जेरेंड के केस में भी देखता हूँ कि जेरेंड भी एक नाउन की तरह बिहेव करता है। ऐसी स्थिति में जेरेंड से पूर्व जो भी नाउन रहता है उसी के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। जेरेंड से पूर्व प्रयुक्त नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, लाइक ही हैज पोस्टपोन्ड, हैज पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग टू कानपुर। यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि जो भी जेरेंड रहता है तो जेरेंड के साथ में कोई भी प्रिसिजन शेविंग के लिए उसके पहले जो भी नाउन आता है उस नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफ एस लगाकर प्रिसिजन शो कर लेते हैं। कभी कभी ये रहता है कि इस जेरेंड के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज करके प्रिसिजन शेविंग कर लेते हैं। जैसे
ही हैज पोस्टपोन्ड हिज गोइंग, यहाँ पर मैंने अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया। यहाँ पर ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये जीरेंड के साथ पोसिजन सोविंग का काम कर ले रही है। तो इस तरीके से जो पोसिजन सोविंग का काम रहता है, अधिकार जताने वाला काम रहता है, तो ये अधिकार, ये जेरेंड भी एक तरह के नाउन की भांति रोल कराते हैं। तो जब ये नाउन की तरीके से रोल कराते हैं तो इसके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाकर पोसिजन शो करा देते हैं। अगर कंपाउंड नाउन्स, यहाँ पर मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन, इनके तो पोसिजन सोविंग के लिए इसके पहले आपने देखा था कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए आपसे ये बताया गया था कि इनके मेन वर्ड या रूट वर्ड जिसे बोला जाता है उसी में एस लगा देता हूँ। तो एस लगा कर इसे प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पोसिजन सोविंग की बात रहती है किसी भी कंपाउंड नाउन्स के साथ, फादर इन लॉज, इसके लास्ट टर्म में अपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, फादर इन लॉज जॉब, मदर इन लॉज, मदर इन लॉ, ये हमारे सिंगुलर कंपाउंड नाउन है, इनके साथ जब पोसिजन सोविंग तो अपोस्ट्रोफ एस, मदर इन लॉज वर्क, इस तरह से मैं इनको पोसिजन एक कंपाउंड नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ तो शो कर लेते हैं। इसके बाद तो कुछ सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स रहते हैं, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को पोसिजन सोविंग के लिए अपोस्ट्रोफ एस, लाइक सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे मैंने बोला एक महीने की छुट्टी, अ मंथ लीव, यहाँ पर ये सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अ मंथ्स लीव ऐसे कर देता हूँ, अ ईयर्स वर्क, वन डेज जर्नी, तो जहाँ पर ये सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहते हैं तो सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इनको पोसिजन सोविंग के लिए अपोस्ट्रोफ एस, यहीं पर जब प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स रहते हैं प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाकर पोसिजन शो करता हूँ, जैसे सेवन मंथ शो, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ, सेवन मंथ्स लीव, टू डेज जर्नी, तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि पोसिजन सोविंग के लिए यदि सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो इसके लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ एस लगाता हूँ, और जहाँ पर प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाकर पोसिजन सोविंग कर लेते हैं। इसी तरीके से स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स,
एक्सप्रेस स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में पॉइंट लेंथ एज विड्थ विड्थ ब्रेथ इस तरह के वर्ड शो करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस लाइक अनोजल्स नोजल्स पॉइंट अपोस्ट्रोफ एस आर रेजर्स एज। इस तरह से जो सिंगुलर टाइम स्पेसिंग वर्ड रहते हैं तो इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाकर प्रिसिजन शो कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी तरह जो यूनिट रहते हैं वेट मीजरिंग के यूनिट ऑफ वेट और मनी इनके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस यूनिट ऑफ वेट और मनी। अगर सिंगुलर नंबर के यूनिट रहते हैं जैसे अटन्स वेट वन रूपी वन रुपीज नोट। तो यहाँ पर जब सिंगुलर नंबर का रहता है और टाइम और इसका मनी और वेट ये शो करते हैं तो इनके साथ जो प्रिसिजन शोविंग रहता है अपोस्ट्रोफ एस लगाकर कर लेते हैं। अगर यहीं पर प्लूरल नंबर का रहता है प्लूरल नंबर के केस में लाइक सेवन टन्स तो यहाँ पर प्रिसिजन शोविंग के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाते हैं। ₹5 तो जहाँ पर प्लूरल नंबर रहता है तो वहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाकर प्रिसिजन शो करता हूँ और जहाँ सिंगुलर नंबर का रहता है वेट और मनी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड तो इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाकर शो कर लेते हैं। एक प्लेस इंडिकेट करने के लिए प्लेस कंट्री नेम हो या प्लेस नेम हो इनके साथ में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो इसके सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आने वाले शब्द के साथ अपोस्ट्रोफ एस जैसे इंडियाज बेस्ट पब्लिकेशन यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव से पहले आने वाले कंट्री का नेम हो या प्लेस का नेम हो इसके साथ में अपोस्ट्रोफ एस यूज कर ले करके इस तरह प्रिसिजन शो करते हैं। ओके इसी प्रकार जब दो सिंगुलर नंबर के नाउंस रहते हैं और दोनों नाउंस एंड से जुड़े रहते हैं इनके बीच क्लोज रिलेशन शो करना हो तो ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउंस के साथ अपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं। जब दो सिंगुलर नंबर के नाउंस एंड से जुड़े हों
तथा इनमें क्लोज रिलेशन दर्शाना हो तब अपोस्ट्रोफ एस बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं। यहां पर ये लिखा है कि जब दो सिंगुलर नंबर के नाउंस एंड से जुड़े हों तभी की सिंगुलरिटी को जाहिर करता है। कैसे? जैसे राम और श्याम का घर, राम और श्याम का घर अगर ये क्लोज रिलेशन एक्सप्रेस करता है, राम एंड श्याम ये दो सिंगुलर नंबर के नाउंस, राम एंड श्याम शो हाउस, अगर इनमें दोनों के बीच एक क्लोज रिलेशन रहता है तो ये अधिकार शो कराने के लिए जो अपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं तो ये बाद वाले नाउंस के साथ। राम और श्याम का घर, इसका मतलब राम और श्याम दोनों क्लोज है, तब अपोस्ट्रोफ एस बाद वाले नाउन के साथ यूज करते हैं। जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन सिंगुलर नंबर के नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा इनमें अलग अलग अधिकार व्यक्त हो तब अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग दोनों नाउंस के साथ करते हैं। इस लाइन से हमको ये पता चलता है कि इसमें दोनों का जो रिलेशन है ये अलग अलग है, यानी राम का घर और श्याम का घर ये दोनों अलग अलग, या फिर राम और श्याम का घर इसका मतलब इन दोनों का एक क्लोज रिलेशन है, यहाँ पर दोनों अलग अलग अधिकार व्यक्त करते हों तो जहाँ पर इनका जो पोजीशन वो सेपरेटली हो, सेपरेट हो, तब ऐसी स्थिति में इन दोनों के साथ रामश एंड श्यामश हाउस जहाँ पर अधिकार सेपरेटली हो तब उस स्थिति में अपोस्ट्रोफ एस दोनों नाउंस के साथ करते हैं। ओके, इसी प्रकार कुछ कलेक्टिव नाउंस रहते हैं, कलेक्टिव नाउंस जिनके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे मैं अ क्राउड्स रिएक्शन, ये
यानी कलेक्टिव नाउन के साथ भी अधिकार दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफ एस यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस, जैसे सूरज की किरणें, द सन रेज, द सन्स रेज, इस तरीके से सन रेज भी कह देते हैं, सन्स रेज, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस लगाकर प्रिसिजन शो कर लेते हैं। ओके okay.